हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए उनके आज हमारे 19वें नंबर की क्लास है। 18 क्लासें पहले अपनी हो चुकी है, डिटेल से अपन ने स्टडी की है। जो भी पिछली परीक्षाओं में एग्जाम आए हुए हैं, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन डिटेल से विस्तृत तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है जो सीरीज चल रही है अभी वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। तो राजस्थान में जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके आधार पर मैंने आपको कितनी मृदा बताई है, 5 प्रकार की जो मिट्टी है राजस्थान के अंदर वो पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी ये मिट्टी है, एरिडोसोल्स मिट्टी, एल्फीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है, और एक होती है एंटी सोल मिट्टी। जो एरिडोसोल मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में। यहाँ लिख देते हैं अपन शुष्क प्लस जो अर्धशुष्क क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एरिडोसोल, ठीक है। इसके बाद वर्टिसोल की बात करें तो जो आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र प्लस अति आर्द्र क्षेत्र, अति आर्द्र क्षेत्र उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसमें पाई जाती है वर्टिसोल मिट्टी। और एल्फीसोल मिट्टी की अपन बात करें तो उप आर्द्र और जो आर्द्र प्रदेश है उसके अंदर पाई जाती है मिट्टी एल्फीसोल। और इंसेप्टिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है अर्धशुष्क व आर्द्र प्रदेश के अंदर, प्लस आर्द्र प्रदेश के अंदर ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है मिट्टी इंसेप्टिसोल, ठीक है। इनके अलावा एंटीसोल मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है। तो जो पाली और सिरोही जिला है कौन से क्षेत्र में आता है, ये अर्धशुष्क व आर्द्र क्षेत्र के अंदर आता है। तो इनमें मिट्टी जो पाई जाती है उसका नाम है इंसेप्टिसोल्स मिट्टी। एरिडोसोल जो पश्चिम राजस्थान है जैसलमेर बीकानेर बाड़ में उस क्षेत्र में पाई जाती है एल्फीसोल मिट्टी। टोंक जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसमें एल्फीसोल पाई जाती है। इंसेप्टिसोल मिलती है ये सिरोही पाली इनके आसपास का जो भी क्षेत्र है उनके अंदर इंसेप्टिसोल। वर्टिसोल मिलती है कोटा बूंदी बारा झालावाड़। और जो एंटीसोल मिट्टी है वो अरावली के पश्चिम में सामान्यतः वो मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजस्थान विधानसभा की बात करें तो पहली विधानसभा कब से कब तक थी, 1952 से 1957 तक। कितनी सीटें थी पहली विधानसभा के अंदर, 160 सीट थी। इसमें विजेता कौन सी पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी है वो इसके अंदर विजेता थी, ठीक है। इसमें जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी इसमें पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में ये डिटेल है पहली विधानसभा के बारे में। अब अपन देखते हैं कौन सा कथन सही है, इनमें छांटते हैं अपन। इनमें पहला ऑप्शन 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, एकदम सही है, 160 सदस्य संख्या थी। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित हुए, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम देखें तो राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियाँ हैं जिनमें से 4 वित्त समितियाँ हैं। तो पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया है कि जो राजस्थान विधानसभा की जो स्थायी समितियां हैं उनकी संख्या 18 नहीं है, इनकी संख्या कितनी है, 17 है। राजस्थान में स्थायी समितियां वित्त समिति के अलावा कितनी स्थायी समितियां हैं, 17 समितियां, और वित्त समितियों की संख्या कितनी है, 4 वित्त समितियां हैं। कौन कौन सी है, पहली समिति है इसमें लोकलेखा समिति, वित्त समितियों की अपन बात कर रहे हैं लोकलेखा समिति। दूसरी समिति कौन सी है, प्राकलन समिति, प्राकलन समिति का, प्राकलन समिति का। तीसरी समिति कौन सी है, तीसरी समिति है प्राकलन समिति ख। चौथी समिति कौन सी है, सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति,
सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं जिनसे जो समिति संबंध रखती है वो चौथी समिति है। तो ये चारों कौन सी समितियाँ हैं? वित्त समितियाँ, ठीक है। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में 15, प्राकलन समिति क में 15, प्राकलन समिति ख में 15, सरकारी उपक्रम इन सभी समितियों में 15-15 सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर अपन ढूंढते हैं, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन एक और ऑप्शन दो सही है, जबकि इसमें 18 समितियां लिखा हुआ है, यहाँ पे स्थायी समितियों की संख्या है 17। तो ऑप्शन एक व दो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? जो मेवाड़ के महाराणा थे 1857 में, उनका क्या नाम है? उनका नाम है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ये मेवाड़ महाराणा थे 1857 में। 1857 में अगर अपन राजाओं की बात करें तो जोधपुर में कौन थे? जोधपुर में थे तख्त सिंह, जोधपुर में थे तख्त सिंह। बीकानेर में कौन थे? बीकानेर में 1857 में जो राजा थे उनका नाम है सरदार सिंह, सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता है तो अपनी सेना को राज्य से बाहर भी भेजा था। जयपुर, जयपुर में कौन थे? राम सिंह दित्ते, राम सिंह सेकंड। कोटा के अंदर भी थे, उनका नाम भी क्या था? राम सिंह दित्ते, राम सिंह दित्ते, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे यहाँ के। तो मेवाड़ के जो शासक थे उनका क्या नाम है? स्वरूप सिंह। इनकी जो विद्रोह के समय अंग्रेजों के लिए क्या नीति थी? ये अंग्रेजों के सहयोग की भावना रखते थे। राजस्थान में जितने भी शासक थे लगभग उनमें से सभी ने अंग्रेजों का सहयोग ही किया था। जो आउवा के ठाकुर थे खुशाल सिंह, वो वहाँ के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और जो सैनिक छावनियाँ थी उनका सहयोग किया था। उनके अलावा जो शासक थे उन्होंने सभी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों का सहयोग करने वाले राजस्थान में से पहले जो राजा थे वो स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, अंग्रेजों की सहायता की थी जो इनकी नीति थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? जो विधान परिषद है उनमें जो राज्यपाल है कितने सदस्य चुनता है? तो राजस्थान के अंदर 1/6 सदस्य उसके विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जय नारायण व्यास निम्नांकित में से किन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी थे? जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा हुई थी उनमें जो जय नारायण व्यास थे उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन सा था? 160 सीटों पर ये चुनाव हुआ था, प्रथम विधानसभा चुनाव। तो जो जय नारायण व्यास थे कौन कौन सी सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा था? वो लड़ा था जालौर ए और जोधपुर शहर बी। जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है। जय नारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो भी जोधपुर शहर के अंदर बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जालौर ए व जोधपुर शहर बी, ये जय नारायण व्यास का निर्वाचन क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? अब एक शब्द सामने आया आपके, प्रोटेम स्पीकर, ये कौन होता है? कौन सा जो पद है वो है प्रोटेम स्पीकर का? तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि जब विधानसभा के जो विधानसभा का जी जो अवधि होती है वो समाप्त हो जाती है, विधायकों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो उनमें नए विधायक चुने जाते हैं। अब पुराने जब सत्र में मतलब विधानसभा के अंदर कोई विधायक नहीं है और नए विधायकों को शपथ दिलानी है, तो नए विधायकों को शपथ जो दिलाई जाती है वो ये प्रोटेम स्पीकर है, इनके द्वारा ही दिलाई जाती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य जो नए विधायक हैं नए विधायकों को शपथ दिलाना, विधायकों को शपथ दिलाना, को शपथ दिलाना, ये तब तक कार्य करते हैं जब तक कि कोई विधानसभा के अंदर कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता, स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता। और स्थायी अध्यक्ष कब आता है? नहीं आ जाता कार्य, स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता। और स्थायी अध्यक्ष कब आता है? जब विधानसभा में जो विधायक चुने गए हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति का चुनाव करके वो अपने लिए अध्यक्ष का निर्माण कर लेते हैं।
अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। और जो प्रोटेम स्पीकर है इनका जो चुनाव हो, राज्यपाल राज्यपाल अपने हिसाब से इनकी नियुक्ति करता है कुछ। तो जो राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे उनके बारे में बात करें तो वो थे महाराव संग्राम सिंह। ठीक है, महाराव संग्राम सिंह पहले विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान का जो विस्तृत भूभाग है उस पर कौन सा कौन सा भाग सबसे ज़्यादा है? तो पश्चिम जो मरुस्थल है, पश्चिम मरुस्थल मरुस्थल वो राजस्थान के भूभाग का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है अपने आप में, पश्चिम मरुस्थल। कितने परसेंट है ये? 61% है राजस्थान के कुल भूभाग का। तो इसी के अंदर है जो मृदा है वो सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है पश्चिम मरुस्थल में? अभी मैंने आपको बताया जो एरिडोसोल है और एंटीसोल मिट्टी है ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान के अंदर ये दो प्रकार की मिट्टी मिलती है। ठीक है, एल्फीसोल जो टोंक जयपुर अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है उनमें एल्फीसोल मिट्टी पाई जाती है। वर्टिसोल जो आड़ोती प्रदेश है उसके अंदर पाई जाती है। इंसेप्टिसोल पाई जाती है जो सिरोही सिरोही के आसपास का क्षेत्र है, सिरोही जालोर पाली इनमें इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी। वर्टिसोल जो मिट्टी है वो मध्यम काली मिट्टी ही है। मध्यम काली मिट्टी के जो कण हैं वो कण होते हैं वो पतले होते हैं, महीन कण होते हैं, या कहें कि महीन कण होते हैं मध्यम काली मिट्टी के। ठीक है, काली मिट्टी के अंदर कौन सी फसल होती है सर्वाधिक मात्रा में? जो फसल होती है वो कौन सी होती है? इनमें होती है कपास की फसल। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो है वो उनके अंदर ये मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में कौन सी मृदा की प्रधानता है? मध्यम काली मृदा या वर्टिसोल मृदा की अपन बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह कौन सा? वह खनिज है जिसके माध्यम से मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का समाधान किया जा सकता है, तो वो है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम यह है जिसकी सहायता से लवणता और क्षारीयता, लवणता और क्षारीयता क्या होती है एक चीज़ आपको बता देते हैं कि राजस्थान में सेम की समस्या है, सेम की समस्या ये लवणता की ही समस्या है। इनमें जब पानी की मात्रा जमीन में अधिक हो जाती है तो वो मृदा क्या है लवणीय हो जाती है। तो इसका इलाज किससे किया जाता है? जिप्सम या जो सफ़ेदे के वृक्ष हैं वो लगाए जाते हैं, सफ़ेदे के वृक्ष, सफ़ेदे के वृक्ष सेम की समस्या से निपटान के लिए सफ़ेदे के वृक्ष लगाए जाते हैं। और राजस्थान में जो सेम की समस्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जो बड़ोपल स्थान है कहाँ पर है ये बड़ोपल? यह है हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर है बड़ोपल, वहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या है। तो मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है जिप्सम। जिप्सम का उपयोग मिट्टी के अंदर किया जाता है जिससे वो मिट्टी सही हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग ये तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। एक मिनट, तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, कहाँ से ये संबंध रखते हैं? ग्वालियर, ग्वालियर ग्वालियर से इनका संबंध है। ठीक है, वहाँ के जो नाना साहेब थे उनके जो प्रमुख स्वामी भक्त थे वो थे तात्या टोपे। ये राजस्थान में किस लिए आए थे? राजस्थान में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो रियासतें थीं उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए तात्या टोपे राजस्थान आए थे। सबसे पहले राजस्थान में कौन सी जगह आए थे? भिलवाड़ा के अंदर आए थे, भिलवाड़ा के अंदर 1857 में आए थे। और यहाँ पर कोठारी नदी के किनारे इन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध भी लड़ा था। और इन्होंने जो राजस्थान का ऐसा नगर है जिसमें सफलता प्राप्त की थी, मतलब कुछ महीनों तक ये राजस्थान में रहे थे उस समय, और झालावाड़ जो है उन पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी तात्या टोपे ने। झालावाड़ का शासक कौन था उस समय? उस समय इनके शासक का नाम था पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह यहाँ के शासक थे और इन पर इन्होंने तात्या टोपे ने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है झालावाड़। अगर 1857 की क्रांति के बारे में बात करें तो सबसे पहले कहाँ हुई थी ये?
राजस्थान में नसीराबाद सैनिक छावनी में कब हुई थी? 28 मई 1857 को। दूसरी बार कहाँ हुई थी? नीमच के अंदर 3 जून को। नीमच के अंदर कहाँ हुई थी? 3 जून को। ठीक है, तीसरी बार कहाँ हुई थी? एरिनपुरा सैनिक छावनी में। जो एरिनपुरा सैनिक छावनी है वहाँ पर राजस्थान में इसमें विद्रोह हुआ था। राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ हैं? 6 सैनिक छावनियाँ उस समय राजस्थान के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। जो माझा प्रवास पुस्तक है वो किस चीज़ के बारे में जानकारी देती है? जो ये विष्णु भट्ट गोडसे थे, विष्णु भट्ट गोडसे, इन्होंने 1857 की क्रांति में राजस्थान के अंदर जो माहौल देखा, राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में विष्णु भट्ट गोडसे ने जो माहौल देखा, उसका आंखों देखा और कानों सुना जो हाल है, इन्होंने इस माझा प्रवास नामक पुस्तक के अंदर बताया है। ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे की ये पुस्तक है माझा प्रवास। सीताराम पांडे के बारे में बात करें तो ये भी एक अच्छे लेखक थे, 1857 की क्रांति के समय के ये लेखक हैं सीताराम पांडे। और इनके जीवन पे जो आधारित पुस्तक है उनका नाम क्या है? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यहाँ लिख देते हैं सिपाही टू सूबेदार, सूबेदार। ये किनके जीवन पर आधारित पुस्तक है? ये सीताराम पांडे, ये उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में इनमें वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया जो टोंक, जयपुर, अलवर, दौसा ये क्षेत्र हैं, इनमें एल्फिसोल मृदा जो है वो पाई जाती है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि राजस्थान के अंदर पहली जो क्रांति की शुरुआत है नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को। दूसरी बार नीमच के अंदर 3 जून को। और तीसरी जो शुरुआत है वो हुई थी एरिनपुरा सैनिक छावनी के अंदर। कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को। और इसमें जो नारा लगाया गया था वो लगाया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस नारे के साथ ही जो एरिनपुरा सैनिक छावनी के जो सैनिक थे, राजस्थान के जो AGG थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान के AGG के जो पुत्र हैं उस पुत्र को एरिनपुरा सैनिक छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने मार दिया था। और इसके बाद चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये सारे सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। धौलपुर के अंदर 1857 की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 27 अक्टूबर 1857 को। इस दिन धौलपुर के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत। यहाँ की जनता ने किसके नेतृत्व में इस क्रांति की शुरुआत की थी? देवा गुज्जर, देवा गुज्जर, इनके नेतृत्व में धौलपुर की जनता ने जो क्रांति है उसकी शुरुआत की थी। और उस समय धौलपुर के शासक थे उनका नाम क्या है? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह के समय ही धौलपुर की जनता ने विद्रोह किया था 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, जो इनमें अभी वर्तमान में जो बहुमत है वो कांग्रेस पार्टी का है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वर्तमान समय में। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो अनुसूचित जनजाति जो जाति है SC, उसके लिए जो सीटें हैं वो हैं 34, 34 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कितनी सीटें? ST के लिए सीटों की जो संख्या है वो है 25। ठीक है, और जनरल सामान्य वर्ग की अपन बात करें, सामान्य वर्ग, तो सामान्य वर्ग के लिए कितनी आरक्षित सीटें मतलब राजस्थान के अंदर 141 सीटें वो सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, SC के लिए 34 वो SC के लिए 34 व ST के लिए 25 सीटें राजस्थान के अंदर हैं। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास में अपन ने डिटेल से स्टडी की है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आगे भी आपको इस क्लास से जुड़े रहना है, क्लास पसंद आई है आपको, और आगे भी अगर आपको राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और तैयारी के साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन का रिविज़न करना है, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, किन किन एग्जामों में पूछा गया है, उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए,
और अच्छे से अपना जो गोल सेट किया है उसे आपको प्राप्त करना है, तो इस क्लास को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नया नहीं पूछा जाता है। जो भी एग्जाम आए हुए हैं उनमें से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। कोई क्वेश्चन आपके पूछा गया है पिछले एग्जाम में, उसके जो ऑप्शन हैं उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो आप उम्मीद है आप इस क्लास से रेगुलर जुड़े रहेंगे, और अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो आप पिछली कक्षाएं जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राइट एंगल क्लासेज पर। अगर आपको आज की इस क्लास की जो PDF मैंने आपको पढ़ाई है वो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।